वेलकम गाइज, आज के इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे यज्ञ घूमने। महायज्ञ हो रहा है और साथ में मेरा ये रहा चालक और यहाँ पे ये साथ में और जा रहा है, पीछे में और दो लोग हैं जो कि काफी पीछे हैं। 9 दिनों तक यह यज्ञ चलेगा तो देखते हैं मैं कितना दिन जा पाता हूँ और मजा काफी आने वाला है। ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चल गाइज, यहाँ पे दो लोग और आ चुका है। आप लोगों को जो वहाँ पे लाइट दिख रहा है वहीं पे यज्ञ हो रहा है। तो जिसको जिसको वीडियो में देखते होंगे कॉमेडी वाला चैलेंज वाला में, वो सब मिलके जा रहे हैं। गाइज यहाँ पे हम भी चश्मा पहन लिए हैं। गाइज काफी क्लोज आ चुके हैं, कल से स्टार्ट ही हुआ है यहाँ पे यज्ञ और अभी चलेगा 9 दिनों तक। तो क्या क्या है मैं भी देखना चाहता हूँ, वहाँ पे चल के आप लोग को भी दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारा रहा यज्ञ का मेन गेट, अब यहाँ से यज्ञ शुरू होने वाला है, यहाँ से यहीं से। तो अंदर चलते हैं और सबसे पहले आगे में ही यहाँ पे एक मंदिर है, अब देख सकते हैं इसको भी सजा दिया गया है। यहाँ पे नली का स्थिति देख सकते हैं गाइज। गाइज यहाँ से हमारा जो है मेन यज्ञ शुरू होने वाला है। यहाँ पे साइकिल क्यों लगा रहे हो, यहाँ पे हम सब पहुँच गए हैं, यहाँ पे लाइट जलाते हैं और यहाँ पे सब आ गए हैं। ये रहा लक्ष कुमार, ये रहा रिशु, ये माखन और ये छोटू और ये मैं हूँ। चलते हैं वहाँ पे, हम लोग तो पहुँच गए हैं बट यहाँ पे वन प्रॉब्लम है कि साइकिल कहाँ पे लगाया जाए। सब लोग बोला ही खेत में लगा दो, हम क्या करें जो हमको कुछ समझ में, मेरा साइकिल तो चलो कहीं पे लगा दो, वहाँ पे होगा बहुत सारा पार्किंग होगा वहीं पे लगा दो। हम लोग काफी खुश है गाइज क्योंकि हमें यहाँ बहुत मजा आने वाला है। गाइज यहाँ पे साइकिल सब लगा रहा है, अपना अपना ताला लगा दो, लॉक लगा दो इसमें। गाइज यहाँ मेन गेट पे आ चुके हैं हम लोग, चलते हैं। आगे पंडित जी हैं, पंडित जी से ये सब थोड़ा सा टिक्का चंदन कराएंगे और हम तो ऐसे भी किए हुए हैं टिक्का चंदन, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पंडित जी से टिक्का चंदन करवाएंगे। कर गाजी ये सब बहुत पापिष्ट निकला, ये सब टिक्का चंदन नहीं करवा रहा है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे दक्षिणा लेते हैं 10-10 रुपया एक बार टिक्का करने का। तो ये यहाँ पे कोई टिक्का चंदन नहीं करवाने वाला है विदाउट मी, टिक्का चंदन कराएंगे। सब ये बैंक मैनेजर बने हुए अभी 200 का चेंज करवा रहे हैं। हेलो देख सकते हैं, बिल्कुल खराब लग रहा है, तुम चश्मा लगा रहे हो तो संस्कृत का अपमान है मेरा। ओ वाह, ये तो प्रणाम कर रहा है, तो बिल्कुल कहाँ से ये संस्कृत लाता। आशीर्वाद दे रहे पंडित जी, जय हो जय हो। हेलो गाइज, ये हमारे जो चाचा जी हैं फिर से इसको करवाए हैं। यहाँ पे पंडित जी जो है ऑनलाइन पेमेंट बोले दे दो, तो पंडित जी को ऑनलाइन पेमेंट देने जा रहे हैं। पूरा दुनिया एडवांस हो गया है, भारत सबसे ज्यादा अल्ट्रा एडवांस है गाइज। चलिए चलते हैं, कहाँ गए पंडित जी, चलिए चलते हैं। पंडित जी का वो रुपया ले चुके हैं 25 रुपया 5 रुपए का, थोड़ा सा भी कटौती नहीं किए हैं यहाँ पे, ये पंडित जी रुपया ले चुके हैं। आगे बढ़िए, अब आगे चलते हैं थोड़ा पंडाल की ओर। साला देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल यज्ञशाला बना है हम लोगों का। चलिए यज्ञशाला की तरफ चलते हैं और वहाँ पे कम से कम 10-11 राउंड मारते हैं। स्वाट मारना चाहिए लेकिन ये लोग 10-11 ही मारेंगे, कोई बात नहीं चलते अंदर। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा चप्पल हम लोग खोल देते हैं अपना, क्योंकि अंदर बिना चप्पल पहने जाएंगे यहाँ पे। तो राउंड कंप्लीट करना है यहाँ पे। और इसके साथ साथ हम भी राउंड मार रहे हैं गाइस, राम का नाम लेते हुए। हमारे जो कुमार बहुत आगे चल चुका है, ये बहुत फास्ट चलते हैं, अब आगे हम लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी ये सब मार रहे हैं, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेकंड राउंड यहाँ पे मारते हैं जल्दी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग भी सेकंड राउंड मारने वाले हैं। तो चलो फटाफट से चलते हैं। जय श्री राम, सीताराम, जल्दी जल्दी चलो। थोड़ा भजन कीर्तन हो रहा है।
तो गाइस ये लास्ट ग्यारहवा राउंड है, लास्ट राउंड है गाइस, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए इसके बाद बाहर निकलते हैं। जय श्री राम। चलिए गाइस यहां से, गाइस यहां पे 11 राउंड हम लोग का कंप्लीट हो गया है। बहुत मुश्किल से बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिए दौड़ दौड़ के। हमको पता ही नहीं चला था ये परिक्रमा कर रहे थे या रनिंग कर। सब भगवान का कृपा है गाइस, सब हो जाएगा। मैंने अब हम लोग को आप लोग को मूर्ति दिखाते हैं जो सनातन धर्म का प्रतीक है, गौर से देख। तो गाइस यहां पे सबसे पहले कछु का मूर्ति बनाया गया है और उसके बाद यहां पे लक्ष्मण जी हैं, राम जी बैठे हुए हैं और बगल में यहां पे माँ सबरी बैठी हुई जो कि राम जी को बैर खिला रही है। और पता नहीं बगल में यहां पे ये जो है भगवान का नाम आपको कमेंट में बताना, मुझे नहीं पता कौन है क्योंकि नीचे में नाम भी नहीं लिखा हुआ था। और उसके बगल में यहाँ पे माँ पार्वती हैं और उनके बगल में यहाँ पे हमारे महादेव महाकाल शंकर जी हैं, फिर यहाँ पे बगल में अन्नपूर्णा माता, फिर विष्णु जी लक्ष्मी जी और उनके बगल में यहाँ पे विष्णु जी का कुछ अवतार जैसे कुर्म बराह मत्स्य। और यहाँ पे जो है सब यहाँ पे एक बड़ा अवतार है जो कि धरती माता को बचाने के लिए दुष्टों से बड़ा अवतार विष्णु जी लिए थे और धरती माता को कितने ही वर्षों तक अपने सूर्य के ऊपर उठाए हुए रखे। जय माँ दुर्गा। क्या मस्त मूवमेंट था भाई, मजा आ गया वीडियो देखकर। ये वाला देख के बहुत मजा आ गया भाई, एकदम बहुत ज्यादा। उसके आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमको मिले राम जी जो कि शंकर जी का पूजा करते हुए रामेश्वरम में जब सीता माता को लाने के लिए लंका की तरफ पुल बांधते हुए सबसे पहले शंकर जी का पूजा किए थे, उन्हीं का यहाँ पे ये मूर्ति है। और बगल में यहाँ पे लक्ष्मण जी खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको रावण का सेकंड भाई कुंभकर्ण मिलता है जो कि यहाँ पे गहरी निद्रा में सोया हुआ है। इसको बीन बजाकर भी उठा रहा है बट ये उठने का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा है। यहाँ पे पेट इसका ऊपर नीचे हो रहा है क्या। काफ़ी यहाँ पे जो अच्छा अच्छा मूर्तियाँ बनाई जो कि देखने में सभी को अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे शंकर जी पार्वती का अर्धनारी स्वरूप, उसके बाद यहाँ पे पार्वती जी लक्ष्मी जी और सरस्वती माता यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कृष्ण जी हैं गोपियों के साथ हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये है पुतना हमारे कृष्ण भगवान को गोद में ली हुई दूध पिला रही है। और नहीं तुम्हारा बध होगा पुतना, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। और ये क्या मोमेंट है भाई, आप देख सकते हो, ये कलाकारी देख सकते हैं किस तरीके का वो से उधर हो रहा है। हर मूर्ति में हमको ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सजीव बना दिया है। गाइस उसके बाद हमारे यहाँ पे कृष्ण जी रहे माखन चोर, बगल में यहाँ पे माखन रखा हुआ हांडी में और उसको यहाँ पे खाते हुए, क्या काफी अच्छा लग रहा है मूर्ति। उसके बाद यहाँ पे बजरंगबली का एक मूर्ति है, फिर भागीरथ जी है और भागीरथ जी के बगल में ये पता नहीं कौन भगवान है या पता नहीं, मुझे नहीं इनका भी नाम पता, आप लोग को इनका भी जो है एक नाम कमेंट में बताना है। और उसके बगल में एक जो है कलयुग का लेटेस्ट एकदम मूर्ति बना हुआ है जो कि एक कोई भी जानवर है, एक शराबी के मुंह पे बाथरूम कर रही है और शराबी नशे के मतलब नशे में, शराब के नशे में धुत है। बीवी इसकी जो है बगल से झाड़ू उठा के मार रही है बट ये नशे में, इसको कुछ भी पता नहीं लग रहा है। उसके बगल में यहाँ पे एक और कलयुग का फोटो है जो कि एक लड़का अपनी बीबी को अपने कंधे पे बिठाई हुई है और अपने माँ बाप को एक रस्सी से खींच रहे हो जो कि आजकल आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता ही होगा। उसके बगल में यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र जी हैं, उनकी बीबी है, बेटा जो मर गया था और उसके लिए भी कफन मांग रहे थे। उसके बगल यहाँ पे कृष्ण जी और इधर दुशासन है जो कि द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो बचाने आए थे कृष्ण जी दुशासन से। उसके बगल में यहाँ पे पता नहीं कौन है अंकल और आंटी जो कि अपनी बेटी या बेटा कोई होगा उसको यहाँ पे बिछाड़ी से काट रही है, आप लोग पता होगा तो इनका नाम ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे महाभारत के भीष्म पितामह जी हैं जो कि बाण के सिरे पर लेटे हुए हैं। उनके बाद हमारे प्रिय आदर्श एकदम जो है श्रवण कुमार जी अपने माँ बाप को एकदम जो कंधे पर लेते हुए, और उसके बगल में हमारे लवकुश जी जो कि यहाँ पे अश्व पकड़ लिए थे, आप लोग रामायण में देखे ही होंगे जो चारों भाई राम जी लक्ष्मण जी सब लड़ने आए थे इनसे, तो उनका भी काफ़ी अच्छा मूर्ति। उनके बगल में यहाँ पे माँ काली भद्रकाली जी का मूर्ति एकदम जो आप लोग इधर से उधर ब्लडिंग वाला देख रहे होंगे, यहाँ पे कितना अट्रैक्टिव बनाया है यार, एकदम रियलिस्टिक लगता है देखने में। उसके बगल में हमारे महादेव जी का यहाँ पे और माँ पार्वती जी का एक मूर्ति है, बगल में यहाँ पे राधा कृष्ण जी का भी है या रुक्मणी जी होंगे। फिर से यहाँ पे एक अर्धनारीश्वर का और यहाँ पे मूर्ति आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि आधा माँ पार्वती आधा शंकर जी है। उनके बगल में यहाँ पे ब्रह्मदेव जी का भी मूर्ति बनाया हुआ है, उसके बगल में यहाँ पे विश्वकर्मा जी भी है जो कि हाथी पे बैठे हुए हैं। और फिर बगल में गाइस यहाँ पे आप लोग को गणेश जी का भी एक मूर्ति देखने को मिल जाएगा, जय हो गणपति महाराज की। उसके बगल में यहाँ पे कार्तिक जी है और उसके बगल में यहाँ पे आप लोग को जो रामायण का यहाँ पे जब राम जी का राज्यभिषेक हो रहा था उस समय का है, यहाँ पे बजरंगबली, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब हैं और राम
माँ सीता के साथ है गद्दी पे बैठे हुए। उसके बगल में यहाँ पे आप लोग को एक और मूर्ति देखने को मिल जाएगा जो कि गणेश जी है, भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कार्तिक जी का यहाँ पे मूर्ति है, बट ये कार्तिक जी पता नहीं है शंकर जी की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हो सकते हैं माँ सरस्वती जी ये हों, क्योंकि हाथ में बीना है, वही जरूर होंगे। और उनके बगल में यहाँ पे फिर से माँ दुर्गा, और यहाँ पे यहाँ पे झूला लगा हुआ है, अभी ट्रेन का सारा सामान रखा हुआ है जो कि कल सेटअप होगा और उसके बाद हम लोग जो इस पे झूलेंगे काफी मजा आएगा। झूला का नाम मालूम नहीं चला, अच्छा कल पता लगेगा गाइज कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक डांस जो कि गाड़ी इधर से उधर होता है। तोबा तोबा झूला नाम बताया, हमको समझ में नहीं आया। अभी आसमानी झूलवा सेटअप हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एक रखा हुआ है आसमानी झूलवा वाला, यहाँ पे आउट लिखा हुआ है, कल आउट होंगे इससे। यहाँ पे खाना पीना सब तरफ है देख सकते हैं। गाइस यहाँ पे मेन पंडाल रहा, सबको यहाँ पे प्यास लग गया था, टैंकर रखा हुआ था तो ये इसी को खोल गया चेक करने लगा कि पानी है कि नहीं, और यहाँ पे पानी इसमें खत्म हो चुका है। और ये पानी गिरा पी लो, किसको पीना पी लो। तो दूसरे टैंकर के पास जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा टैंकर है, अब देख वहाँ पे पानी है कि नहीं, पानी है पीने नहीं दे रहा है, यहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ है, जल्दी से पी ले वे। सब आइसक्रीम खाने रुका है, यहाँ पे लेते हैं, चलो पैसा हम देते हैं गाइस सबको।